अंडर 14 स्कूली एथलेटिक खेलकूद प्रतियोगिता में प्रदेश स्तरीय खेलों के लिए नन्हे खिलाड़ी राजकीय माध्यमिक पाठशाला डुग्गा के खेल मैदान में पसीना बहा रहे हैं। जिला हमीरपुर के 30 नन्हे खिलाड़ी राज्य स्तरीय एथलेटिक खेलकूद प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जी तोड़ मेहनत में जुटे हुए हैं। राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता धर्मशाला में 1 दिसम्बर को आयोजित की जाएगी। खिलाड़ी लंबी दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद के लिए दिन भर प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रशिक्षक एडीपीओ मस्तराम बडियाल ने बताया कि 7 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप के दौरान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें परिपक्व बनाया जा रहा है ताकि खिलाड़ी राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में अव्वल प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन कर सकें। 12-23 से लेकर 29 तक है, 29 को बच्चे चले जाएंगे धर्मशाला के लिए। तो सुबह बच्चों को 6 बजे उठाया जाता है और उसके बाद जर्क एक्सरसाइजेज बच्चों को वार्म अप करवाया जाता है, उसके बाद योग करवाया जाता है। योग के बाद बच्चों को मार्च पास का पीरियड होता है, मार्च पास में बच्चों को उनके कदम मिलाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया जाता है, ब्रेकफास्ट के बाद आधा घंटा बच्चे थोड़ा अपने डिस्कशन होती है जो दिन में क्या क्या करना है कैसे। उसके बाद हमारे कोचिज जो हैं वो प्रैक्टिकल शुरू कर देते हैं और ये प्रैक्टिकल 12 बजे तक चलता है। 12 बजे से लेकर 1 बजे तक रेस्ट करते हैं। 1 बजे बच्चे लंच करते हैं, लंच के बाद ठीक 3 बजे फिर इन बच्चों का सेशन शुरू होता है और 5 बजे तक ये चलता है। उसके वहाँ जो धर्मशाला में हमारे बच्चे दौड़ कूद करेंगे वो सिंथेटिक ट्रैक पे होगा, लेकिन पिछले वर्ष हमारा चंबा में हुआ था, वहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक है नहीं। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2 जगह ही सिंथेटिक है, एक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में धर्मशाला में है और एक डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है। इसके बाद बच्चे यहाँ से मुझे पूर्ण आशा है कि पिछले साल हम ट्रॉफी लाए थे ऑलराउंड बेस्ट की गर्ल्स सेक्शन में, इस बार भी हमारे बॉयज भी अच्छे हैं और गर्ल्स सेक्शन में भी हम ट्रॉफी, पूरा प्रयास होगा हमारे कोचिज का और हमारे बच्चों का कि हम जिला हमीरपुर की शान बढ़ाएं और ट्रॉफी हमीरपुर के लिए लाएं। इसमें इवेंट्स हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 4x100 रिले रेस, उसके शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप।